Hello everyone, welcome to the channel. In this video, I'm going to share all important current affairs of 2nd December. For PDF of this video, आप हमें Telegram पे join कर सकते हो. Join करने के लिए simply आपने Telegram app पे जाके channel का नाम search करना है. Next exam IQ join करना है. सारे PDF आपको Telegram app पे एक साथ provide कर दिए जाएंगे. तो शुरू करते हैं आज का important video. So let's start with these 10 important questions. इनके answers आप मुझे बताएंगे. इनके answers पे मैं share करूँगा. So कोशिश कीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से बताने की. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च फर्स्ट लाइकन पार्क इन मुंशियारी. तो कौन सा इंडियन स्टेट बनाया जिसने फर्स्ट लाइकन पार्क को लॉन्च किया, ये बताना आपने. खुलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी कंट्री में है जिसके लिए इंडिया फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया बना के दे रहा है, मदद कर रहा है. शहतूत डैम भी आपको याद होगा रिसेंटली अफगानिस्तान में है, तो आपको ये बताना कि खुलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी कंट्री में है. Which state has launched हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन. India's first plasma bank for COVID-19 patients तो कौन सी स्टेट या यूटी में सेटअप किया गया. PC महानलोबिस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया. Next one is which bank has launched e-किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स. न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन किसे बनाया गया. न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस कौन बने. 9th one is who has been conferred with the Diana Award 2020 for Recycler app. And the final question is who is the author of the book title Overdraft Saving the Idiots Ever. तो इनके आंसर्स आप बताएंगे, वीडियो को पॉज करके इनके आंसर्स आप कमेंट कर सकते हो. देन आफ्टर दिस यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स. फर्स्ट लाइकन पार्क उत्तराखंड में बना है जी. ओके, खुलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है भूटान में. विच स्टेट हैज़ लॉन्च हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन, मध्य प्रदेश द्वारा स्टार्ट किया गया. इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक COVID-19 पेशेंट्स के लिए न्यू दिल्ली में सेटअप किया गया. PC महानलोबिस अवार्ड से सम्मानित किया गया सी रंगाराजन जी को. ई किसान धन ऐप फार्मर्स के लिए HDFC बैंक द्वारा. न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन श्रीकांत माधव वैद्य. न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बने हैं जीन कैस्टेक. The Diana Award 2020 for Recycler app Freya Thakral and Overdraft Saving the Indian Saver is authorized by Urjit Patel. तो शुरू करेंगे फिर आज के important current affairs. So first question है, which state has announced to start free ambulances for road accident victims? तो road accident victims के लिए free ambulance services provide करेगा जल्द ही ये. कौन सा राज्य सरकार ये announcement किया, वेस्ट बंगाल द्वारा. वेल एम्बुलेंसेज से आपको इंडिया का फर्स्ट मैरीन एम्बुलेंस प्रतीक्षा केरल सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है, वो अपने याद रखना है. देन उसके बाद तमिलनाडु द्वारा फर्स्ट वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर हायर किया गया है, वो अपने याद रखना है. कर्नाटका द्वारा एयर एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, लाइक एयरलिफ्ट किया जाता है पेशेंट्स को इन फार फ्लंग एरियाज, वो कर्नाटका द्वारा स्टार्ट किया गया एयर एम्बुलेंस सर्विसेज. नाउ वेस्ट बंगाल अपने याद रखना है फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो याद रखेंगे. एंड अबाउट द स्टेट इस स्लाइड में बेसिक डिटेल्स, कोलकाता कैपिटल है, सीएम ममता बनर्जी, गवर्नर जयदीप धनखड़ एंड इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स भी आपको इस स्लाइड में मिल जाएंगे. नेक्स्ट हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट अरब गल्फ कंट्री टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल. तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है कोल से फर्स्ट अरब गल्फ कंट्री कौन सा है. द कंट्री इज UAE. ओके, UAE का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बारेक न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो भी कुछ टाइम पहले शुरू हुआ था, वो भी आपने याद रखना. एंड हसायन कोल प्लांट इसका नाम रखा गया. तो UAE इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है. एंड हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया. तो किसे इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ये बने हैं अचायुत समानता. ओके, ही इज़ फ्रॉम उड़ीसा एंड इनका नाम आप याद रखेंगे. एंड ज्ञानेंद्रो निगोबम ये आप जानते हो, ये प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया हैं. प्रमोद अग्रवाल प्रेजिडेंट ऑफ कोल इंडिया एंड प्रहलाद जोशी हमारे कोल मंत्री हैं, कोल मिनिस्टर हैं. ओके, तो ये बाकी सारे डिटेल्स आप याद रख लीजिएगा. एंड अचायुता समानता इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो न्यू प्रेजिडेंट बने हैं वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के. ओके गाइज, ये स्पेशल ई बुक आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ मैं. लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर का कंपाइलेशन आपको इस स्पेशल ई बुक में मिलने वाला है. फ्रॉम जून टू नवंबर 2020
2500 प्लस क्वेश्चंस आपको इस स्पेशल ई बुक में मिलेंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की कर रहे हो, LIC कर रहे हो, या वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है स्पेशल ई बुक, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। 69 रुपीज़ में आप इस स्पेशल ई बुक का जरूर बेनिफिट उठाएं, एंड रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा आपकी ये हेल्प करने वाला है। इसमें स्टैटिक पोर्शन भी इंक्लूड किया गया, सो विच इज़ गोइंग टू श्योरली हेल्प यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, इन जस्ट ओनली 69 रुपीज़। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, तो न्यू सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया बाय ओम बिरला। सो इनका नाम आपको बताना है, इनका नाम है उत्पल कुमार सिंह, जो न्यू सेक्रेटरी जनरल बने हैं लोकसभा के। लोकसभा के स्पीकर आप जानते हो ओम बिरला, एंड इससे पहले स्नेहलता श्रीवास्तव। इनका कार्यकाल खत्म हो गया जी 30 नवंबर को। अब जो न्यू बने हैं वो बने हैं उत्पल कुमार सिंह, नाम याद रखिएगा। ग्रेग बार्कले, ये तो अब आपको याद हो ही गया होगा, काफ़ी बार रिवाइज करवा चुका हूँ। ICC के न्यू चेयरमैन बने, इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन पार्टनर्ड विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो किसके साथ समझौता हुआ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, टू डेवलप फर्स्ट एवर SDG इन्वेस्टर मैप ऑफ इंडिया। तो ये एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ ये आपने बताना है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एंड इन्वेस्ट इंडिया का आपस में समझौता हुआ टू डेवलप फर्स्ट एवर SDG इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया। नेक्स्ट इज, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ लीज ए बुक टाइटल फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक, तो इस बुक को एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा रिलीज किया गया। आपको ये बताना है कि इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। मसात्सु गुआसा का इज द करेक्ट आंसर, एंड अशोक लावासा वाइस प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, डेविड मालपास ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, TS तिरुमूर्ति हैं इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। एंड इस बुक में क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग इन हेल्थ ट्रेड फाइनेंस एंड डिजास्टर रिस्क। अभी राइट नाउ जो COVID-19 पैंडमिक की वजह से, जो महामारी की वजह से जो दिक्कतें आई, तो उसके चीज़ों से उसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं एशिया पैसिफिक कंट्रीज, तो ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स मलीना फिलीपींस में, तो आपने याद रखना है। Who has been appointed as a new chairperson of National Dairy Development Board, तो किसे न्यू चेयरपर्सन बनाया गया, IAS ऑफिसर वर्षा जोशी को बनाया गया न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को, रिप्लेस करेंगे दिलीप रथ को। वर्षा जोशी आपने याद रखना है, शी इज ऑलरेडी सर्विंग एज द जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, तो नाउ इन्हें चेयरपर्सन बनाया गया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का। वी वैद्यवती, लाइक इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टर जनरल हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वी वैद्यनाथन IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO हैं, वेल नाम रिलेट कर रहा है इसलिए शेयर कर रहा हूँ। दिलीप रथ को रिप्लेस किया, ये मैंने आपको बता दिया वर्षा जोशी जी ने। ओके, BSF ने कौन सा रेजिंग डे सेलिब्रेट किया अपना 1 दिसंबर को, ये आपने बताना है। सो BSF ने सेलिब्रेट किया है अपना 56th रेजिंग डे। BSF के डायरेक्टर जनरल का नाम आप लोग जानते हो, बिल्कुल जानते हो, राकेश अस्थाना, एंड इसके एस्टैब्लिशमेंट थी 1 दिसंबर 1965। ओके, एस्टैब्लिशमेंट डेट 56 इज द करेक्ट आंसर। सूर्यधार लेक कहाँ पे है, जिसका उद्घाटन हुआ रिसेंटली, इसे इनॉग्रेट किया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा, तो वेल CM का नाम बता दिया, नाउ यू कैन ईजिली गैस, ये है जी उत्तराखंड में, जिसका उद्घाटन किया। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी फॉर इरीगेशन पर्पजेज, फार्मर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले। इन दोएवाला देहरादून में इसका उद्घाटन किया त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा। बेबी रानी मौर्य इज़ द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, वो आपने याद रखना है। पापा बोबा दियोप, इनका निधन हो गया जी, आपको बताना है ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड, तो कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे, ये थे जी फुटबॉलर, जिनका निधन हो गया। एंड सेनेगल प्रोफेशनल फुटबॉलर, जिसने 2002 में काफ़ी ज़्यादा मदद की थी फीफा वर्ल्ड कप जीतने में, इनका निधन हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया सहाकार प्रज्ञा। बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प इन कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। 45 न्यू ट्रेनिंग मॉड्यूल्स स्टार्ट किया जाएगा फॉर द फार्मर्स, एंड उन्हें इसे ट्रेन किया जाएगा इन रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। ओके, तो इसका उद्घाटन किया गया, लाइक इनिशिएटिव का नाम सहाकार प्रज्ञा, जो यूनियन मिनिस्टर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ओके,
हु हैज़ वॉन 2020 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, किसने जीत लिया ये आपने बताना है। वेल पिक्चर से तो आपने इनको पहचान ही लिया, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया जी लिवाइस हैमिल्टन, मर्सिडीज के ड्राइवर लिवाइस हैमिल्टन फ्रॉम यूके, इन्होंने जीत लिया। नाउ आफ्टर दिस एक क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स 2020, आपको ये बताना है कि विच कंट्री इज द मोस्ट इफेक्टेड कंट्री विद टेररिज्म इन 2019 में सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित होने वाला देश कौन सा बना है। तो ये आपने कमेंट करके इसका मुझे आंसर बताना है। एंड इंडिया का रैंक क्या, इंडिया कितना ज़्यादा प्रभावित हुआ इस रैंक के अकॉर्डिंग, वो भी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। सो आई होप गाइज एवरीथिंग इज़ क्लियर, वीडियोज़ आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं एंड स्टार्टिंग का पोर्शन आपकी श्योरली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि डेली 10 क्वेश्चंस अगर आप रिवाइज करेंगे तो मंथली आपके 300 क्वेश्चंस हो जाएंगे। एंड उसके बाद डेली करंट अफेयर वीडियोस में तो आपको 10 से लेकर 15 क्वेश्चंस के बिटवीन मिलते ही हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छे से आपकी करंट अफेयर रिवीजन प्लस स्टैटिक जीके एंड रिवीजन लास्ट 6 मंथ का तो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा अगर आप डेली हमारे वीडियोज़ वॉच करते हो। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हैं एंड आप अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें, इसे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं एंड वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर दीजिएगा, आपके लाइक से आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है एंड मुझे एक आइडिया लग जाता है कि हाँ ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रह रही है। ओके सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, वीडियो को लाइक एटलीस्ट आपने इतना ज़रूर करना अगर आप डेली वीडियोज़ वॉच कर रहे हो, तो एटलीस्ट यू हैव टू डू लाइक आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना सो डैट कि यूट्यूब को भी थोड़ा सा रिकमेंडेशन में लाइक वीडियोज़ को हमारे डालने में थोड़ी हेल्प हो जाए, क्योंकि लाइक्स भी मैटर करते लाइक फॉर यू डजेंट मैटर कि लाइक से क्या फ़र्क पड़ जाएगा इस वीडियो को, बट यूट्यूब वीडियोस को रैंक करने में उसको रिकमेंडेशन में डालने में एक लाइक भी एक मेजर फैक्टर है। तो एटलीस्ट डू लाइक दिस वीडियो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है एंड पूरे वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, इन रिटर्न जब अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो एक एनर्जी मिलता है, एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूला करें। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड इसका आंसर ज़रूर बताइए। थैंक यू एंड टेक केयर।